तो भाई हम बात कर रहे थे ऑनलाइन गेमिंग और फ्रॉड के बारे में पिछली वीडियो में, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में बताने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेम और इसके चक्कर में फंस जाता है तो उसे कैसे निकल सकता है वो। तो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको तीन रास्ते बताने वाला हूँ जो आप करेंगे तो अगर आपको गेम खेलने की लत है तो वो पूरी तरीके से आप उससे छुटकारा पाओगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप गेम खेल के एक कर्जे में डूब चुके हो और डिप्रेस हो और सोच रहे हो कैसे मैं छुटकारा पाऊंगा और कर्जे से कैसे छुटकारा पाऊंगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आपकी गेमिंग वगैरह जो आप खेलते हो और कितना आप कर्जा हो चुका है, ये सबसे पहले आपको अपने घर में किसी बड़े इंसान को बताना है। आपके भाई को बता दीजिए या आपके मम्मी पापा को बता दीजिए, आपकी फैमिली में बता दीजिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आप उनको बता दोगे तो वो आपको चिल्लाएंगे डांटेंगे, लेकिन ये तो वो आपके सगे जब ज़्यादा मारेंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बाद में वो आपको संतावना ही देंगे और आपकी मदद करेंगे ताकि आप अगली बार जो है इन गेमिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़ पाओ। और फिर दूसरा जो है आपको क्या करना होगा कि जो भी आपकी आईडी वगैरह होती है, जो भी आप गेम खेलते हो, रमी खेलते हो या ड्रीम इलेवन या वन एक्स बेट या कोई सा भी आप जो भी गेम खेलते हो, आपको क्या करना है कि उसकी जो आईडी है वो आपको ब्लॉक कर देनी है। आप आईडी ब्लॉक कर दी आपने, और तीसरा आपको क्या करना है, अपना जो सिबिल स्कोर है उसे बिगाड़ देना है। आपका कोई भी लोन चल रहा है तो आपको किस्त बाउंस कर देना है, तो उससे क्या होगा, आप अगर अपना सिबिल स्कोर बिगाड़ दोगे तो आपको कोई कर्जा देगा नहीं, और आपको कोई कर्जा देगा नहीं, लोन देगा नहीं, तो आप गेम जो है खेलोगे भी नहीं। तो गाइस अगर आपको मैं इसके आने वाली वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो लोन ऐप है इनका अगर पे नहीं करोगे और इनके द्वारा अपना सिविल स्कोर बिगाड़ोगे तो कैसे इन लोन ऐप की रिकवरी से आप बच सकते हो और किस तरीके से जो है आप इनके जो रिकवरी एजेंट है उनसे डील कर सकते हो, और आपको क्या करना होगा कि ताकि ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है कॉन्टेक्ट ना करें, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी इस वीडियो में यही है, तो तीन बातें आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने आपको आप ये ऑनलाइन गेमिंग के जाल से छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली को बताना होगा, आईडी इनकी ब्लॉक करनी होगी, और तीसरा अपना सिविल बिगाड़ना होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।